हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग क्या नेक्स्ट वीक शुरू होने वाली है। नेक्स्ट वीक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई तो डॉक्टर्स फिर करेंगे स्ट्राइक। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है नीट 2021 काउंसलिंग को लेकर के। लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप MBBS, BDS, BMS लो बजट और लो मार्क्स में करना चाहते हैं तो ये नंबर है आपके लिए। इस पर आप कॉल करके अपने क्वेश्चंस MBBS एडमिशन रिलेटेड पूछ सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड आपको हर एक जानकारी दी जाएगी दोस्तों। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको फिल कर दे, टीम आपको अपने आप कॉन्टेक्ट कर लेगी। साथ में दोस्तों, यहाँ पर MBBS एब्रोड जो जिसकी वैल्यू दोस्तों अभी इंडिया में की गई MBBS के इक्वल ही है, ये बात आपको पता ही है। दोस्तों, आप MBBS एब्रोड भी कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लें या गूगल फॉर्म को फिल कर दें। तो दोस्तों, BDS करनी है आपको, BMS करनी है, आपके मार्क्स कम है, लो बजट है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज चुने, क्या चुने दोस्तों, तो सब कुछ आपको इस नंबर पर जानकारी मिल जाएगी। इस नंबर पर कॉल करके आप पता कर लीजिएगा। तो चले दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर न्यूज़ देख रहे हैं, नीट काउंसलिंग 2021 कब शुरू होगी, ऑल इंडिया कोटा सीटों पर काउंसलिंग, देखे MCC का नोटिस। तो यहां पर लिखा गया दोस्तों, नीट पीजी काउंसलिंग 2021 आंदोलन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य विभाग ने इस आश्वासन के साथ वापिस भेज दिया था कि एक सप्ताह के भीतर काउंसलिंग डेट पर फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि समय पर कोई जानकारी नहीं दी गई तो स्ट्राइक दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। नीट पीजी 2021 परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों का काउंसलिंग का इंतजार अब बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर एक टोकन स्ट्राइक भी कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन के बाद स्ट्राइक रद्द कर दी गई, मगर अभी तक MCC ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं किया है। विभाग का कहना है कि एक सप्ताह के समय में इस विषय पर फैसला ले लिया जाएगा। काउंसलिंग कब शुरू होने वाली है इसके बाद में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नीट पीजी काउंसलिंग तो लेट हुई हुई है, साथ में आपकी नीट UG की काउंसलिंग भी लेट हो रखी है। तो जल्द ही दोस्तों उम्मीद है कि इसके बारे में कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। नीट 2021 से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।